भाई साहब यहाँ तो मेरे खत्म हो गई। हेलो 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 भाई सुना भाई साहब, भाई साहब आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कितनी क्लीन है, क्योंकि भाई साहब मैं अपनी गाड़ी को हमेशा साफ रखता हूँ। भाई साहब ओ भाई साहब पैसे पूरे दूंगा ऐसी बात नहीं है, और 50 को एक्टिंग पे नहीं काटूंगा। तो भाई साहब काफी लोग होते हैं लीचड़ कीचड़ फटीचड़, जो भाई साहब अपनी चीज को काफी गंदा रखते हैं। किसे कह रहा है भाई? दोस्तों बड़ा मत बनना, दिल पर ले जाना। अबे साले, क्योंकि भाई साहब उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता। तो गाइस आज मैं उन लोगों के लिए भाई एक ऐसा गैजेट बनाने वाला हूँ जो गाइस ड्रिल मशीन के बराबर होगा, और गाइस सबसे बाइक हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, गधा हो गया, भैंस हो गया, सब गाइस आप उसे धो सकते हो। आ जाओ आप इंतजार था, और गाइस बकरी को लगा सकते हो। चलो भाई साहब एक ऐसा हैंडमेड वॉशर बनाएंगे जो गाइस बैटरी ऑपरेटेड होगा, और भाई साहब कहीं भी आप पानी लेकर बस उसे स्टार्ट करो भाई साहब यूज करो। चलो गाइस फ्रॉड चलते हैं भैया अब अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो भाई साहब इस हाई प्रेशर वॉशर गन को बनाने के लिए गाइस मैं लेने वाला हाई प्रेशर वाटर पंप। भाई बहुत ही मस्त, बहुत ही कमाल धमाल गाइस प्रेशर देता है, 5 लीटर पानी 1 मिनट में गाइस ये फेंक देता है, फेंकने में गाइस एक्सपर्ट फेंकने नंबर 1। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक दिक्कत है। भाई साहब इस पंप का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो भाई कुछ इनसे भी बड़ा हो रहा है, तो भाई इन्हें निकाल देंगे। ओ भाई तो निकलना बड़ी दिक्कत करेगा, खैर मैं से निकाल दूंगा बेबी करो खोलने के बाद। निकल तो गया, थैंक गॉड निकल गया। तो ऐसे देखो अब भाई ये काफी पतला दुगला तो हो गया है, मतलब गाइस ये अब काफी कम जगह लेगा, भाई पहले काफी ज्यादा जगह ले रहा था, इस तरीके से अब भाई ये काफी छोटा हो गया है। तो चलो भाई साहब फटाफट की बॉडी बॉडी बनाते हैं लोंडे की, ठीक है? अपने तो गाइस हम नहीं बना पाए, लेकिन भाई इसकी तो हम बना ही देंगे। हाँ तो गाइस यहाँ पर भाई आप देख सकते हो भाई ये एक छोटा सा बॉक्स बन चुका है। वैसे गाइस मैं चाहता भाई गोल भी ले सकता था, लेकिन भाई गोल काफी अजीब और गरीब लगता है, आप जानते हो भाई मोटर थोड़ा सा हैवी है, बल्कि है। तो भाई अब फटाफट की डायमेंशन देख लेते हैं गाइस, कितने भाई कितने का है ये बॉक्स। भाई लेंथ है 9 इंच, और ऐसा आप देख सकते हो भाई ये है लगभग 2.5 इंच, और ऐसी आप देख सकते हो भाई ये है लगभग 3.25 इंच। तो भाई साहब फिटिंग तो इसकी बाद में करेंगे, क्योंकि भाई साहब अभी बॉडी में बहुत ही सारा काम है, बहुत ही ज्यादा काम है। तो भैया फटाफट का हैंडल बनाते हैं, और भैया आपने थंबनेल में देख लिया होगा भाई इसमें बैटरी मैं कौन से लगाने वाला हूं। भाई देखो जो लोग देखते हैं भाई उन्हें पता है मेरे पास जो पहले एंगल ग्राइंड थी बैटरी ऑपरेटेड याटो कंपनी थी शायद। हां तो गाइस मैं भाई लेकर ही आ गया हूं, भाई ये है याटो चाइनीज ब्रांड, चाइना मेड इन चाइना, प्लीज दोस्तों मत लाना, बहुत ही घटिया क्वालिटी की ड्रिल मशीन है। और भाई साहब दिक्कत है कि भाई पार्ट्स नहीं मिलते, मोटर का जो कम्यूटेटर वो उड़ गया, और भाई साहब वो उड़ गया, मैंने कंप्रेसर कांटेक्ट किया था और मिला ही नहीं कुछ। हां मजाक बना दिया गाइस, 9000 रुपए का चूना। तो भाई साहब यहाँ मेरे पास दो ये उसकी पुरानी बैटरी है, ठीक है? मैं सोच गया इनका क्या होगा भाई, ये तो लावा रिस होगी, ये तो विधवा होगी भाई, क्योंकि भाई साहब इनकी जो बड़ी मशीन थी यार वो भाई चल बसी, ठीक है? तो भाई वो मशीन बेकार तो गाइस होगी विधवा। तो भैया ये है 2 एम्पियर वाली 18 वोल्ट, और भाई साहब ये है 3 एम्पियर वाली, ठीक है? ये 18 मतलब दोनों 18 वोल्ट है, थोड़ा गाइस एम्पियर का फर्क है। तो गाइस मुझे इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, मैं गाइस चेंज कर सकता हूँ। और भाई ये मत सोचना कि भाई समर हमारे पास ये बैटरी भाई साहब हम कहाँ से लगाए, भाई साहब इसके अंदर 80-85 बैटरी ही होती है, ठीक है? बस थोड़ा सा फ्रेम में है, थोड़ा इसके अंदर बीएमएस है, मेरे पास का चार्जर भी है, पड़ा बेचार लावर वो भी रंडवाया। तो भाई साहब हम कर क्या सकते हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, तो फुल रिचार्ज है। और भाई ये भी देखें, हाँ देखो भाई ये भी भाई पूरे चार्ज देखिए भाई साहब, ये जो मोटर लग रहा है इसके अंदर पंप के अंदर, इसमें 775 मोटर लग रहा है। तो भाई ये आराम से 36 वोल्ट तक वर्क करता है, 24 वोल्ट में गाइस मस्त काम करता है, 36 वोल्ट पे थोड़ा सा हाई आरपीएम बढ़ जाते हैं। तो भाई बेफिक्रेगा इस मोटर कहीं नहीं जाने वाला। चले गाइस फटाफट भैया इसमें हैंडल लगाते हैं, और भाई इन बैटरी को फिट करने का जुगाड़ देखते हैं भाई कैसे लग जाए और ये निकल जाए।
हाँ तो भाई साहब ये कंप्लीट हो चुका है। भाई साहब बहुत मेहनत लगी भाई इसमें, देखो एक एक पॉइंट गाइस कैसे कटिंग की है इसकी। और भाई साहब मैं आपको इसे भाई एक बार लगा के दिखाता हूँ, देखो कटाक, देखो भाई साहब मस्त। और पता नहीं गाइस आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर गाइस ये दोनों पिन आउट लग गए हैं, निकालना हो ऐसे तो गाइस निकलेगा नहीं क्योंकि फंस गया। और भाई ऐसे ऐसे दबा लेंगे क्योंकि गाइस ये दोनों फंस जाते हैं इसमें, इस वाले में, ठीक है। तो भाई साहब ये हो चुका कंप्लीट, क्यों गाइस आपको देखने में लग रहा है, लेकिन भाई साहब इसे बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा गाइस, तभी ये फिक्स आएगा बैटरी पर, मेजरमेंट देखना पड़ता है। तो भैया अब ये देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये भाई साहब ऐसे इसमें चले जाएंगे इस तरीके से, देखा, ठीक है। चले भाई साहब फटाफट इसका एक स्विच लाते हैं जिससे भाई साहब हम इसको मोटर जो इसमें लगेगा वो ऑन ऑफ कर सके। तो भाई स्विच काफी सारे हैं, कोई भी आप स्विच लगा सकते हो, मिनिमम 3 एम्पीयर का चाहिए चाहिए, ठीक है। तो एक गाइस स्विच है, इसका भाई ये फायदा है, देखो अगर आप थोड़ा सा दबाओगे ना तो भाई ये काम करेगा, यानी कि गाइस ये मोटर ऑन कर देगा। ले भाई से एक बार और दबाओगे, देखो भाई साहब अब ये कंटिन्यू ऑन रखेगा मोटर को, ऑफ हो जाएगा, थोड़ा सा दबाओगे तो मोटर चल जाएगा, अगर आपको कंटिन्यू चलाना हो इस बटन को दबा दो। तो भाई इस बटन का ये स्विच का ये काम है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं लगाऊंगा, ये काफ़ी लंबा है, हाँ लग जाएगा कोई दिक्कत बात नहीं है, हम सिंपल लगाएंगे सिंपल जैसे गाइस, हाँ ये रहा ये मस्त है, देखो भाई ये भी 3 एम्पीयर तक गाइस मस्त काम करता है। तो ये पुश बटन है, क्योंकि भाई आप जानते हो कंटिन्यू गाइस हमें नहीं चलाना होता। और भाई जो स्विच है गाइस बहुत ही सॉफ्ट स्विच है ना, आपकी उंगली नहीं दबेगी उससे गाइस, रेड वाली दब जाएगी, ठीक है, मतलब कि अगर आप काफी देर तक चलाओगे तो वो दिक्कत कर देगा। तो भाई साहब हम इसे लगाएंगे, ये काफी छोटा भी होगा, इसे काफी मस्त सॉफ्ट होगी। फटाफट भाई इसकी वायरिंग साइरिंग करते हैं, यहाँ से गाइस वायर निकालते हैं, एक स्विच लगाते हैं, कनेक्शन बहुत ईजी है, बस एक स्विच ही लगाना है बीच में, ठीक है, चलो गाइस इस काम फटाफट करते हैं। हाँ तो भाई मस्त, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो भैया ग्रिप इसकी गाइस काफी मस्त है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा हैंडल बढ़ाए रखा है जिससे भाई कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर गाइस स्विच की जगह रखी है, आराम से गाइस आप स्विच को उसे दबा सकते हो। तो भाई साहब अब फिट करते हैं इसके अंदर मोटर, ठीक है, और भाई स्विच भी फिट करना है। तो चले भाई साहब यहाँ से गाइस हम निकालेंगे इसके भैया इनपुट और आउटपुट, ठीक है, देखते गाइस क्या करना है। भाई मैं फिट तो ना कर दूं, बहुत ईजी है, लेकिन भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो भाई इनलेट तो गाइस आराम से आ जाएगा भाई, जैसे कोई बाल्टी होगी उसमें से गाइस पानी लोगे, कोई टप होगा उसमें से आप पानी लोगे, ठीक है, वो तो सिस्टम गाइस आराम से इसमें हो जाएगा। लेकिन भाई इसका जो आउटपुट है ना, आउटलेट है, मतलब जहां से आपको पानी का प्रेशर मिलेगा, भाई कोई ऐसा जुगाड़ हो जिससे भाई आप कम या ज्यादा कर सको प्रेशर को। तो भाई साहब उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाशर गन, और गाइस आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो, देखो इसका जो प्रेशर होगा ना, आप इसे यहाँ देखो, मतलब इसे मिस्ट भी बना सकते हो, जो इसकी धार होगी वो गाइस बारीक कर सकते हो, मोटे कर सकते हो, इस नट को आप एडजस्ट करके गाइस आप इसके जो प्रेशर है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। लेकिन भाई दिक्कत है कि भाई ये लगाना बहुत टेढ़ घीर है, इसे भाई हमें थोड़ा सा अलग टाइप से अलग डिजाइन से गाइस लगाना होगा, क्योंकि भाई साहब मैंने कहा ना भाई इसे लगाना बहुत टेढ़ घीर है। और भाई ये इसके अंदर आएगा कैसे बताइए, देखो ये गाइस काफी बड़ा है, ठीक है, ये कैसे आएगा भाई इसके अंदर। तो प्लीज दोस्तों बने रहिए, देखते गाइस मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर चोंच बंद कर लेंगे और काम शुरू कर देंगे।
हेलो गाइस, देख सकते हो भाई ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है और भाई काफी मजबूती भाई मैंने यहाँ पे चिपका है। ठीक है अंदर भाई ये ग्लू ना जाए, तो भाई यहाँ मैंने पेपर टेप लगाया है और भाई अच्छे से मोटर को रोका है। और भाई ये काफी मजबूत है और भाई काफी लाइट वेट भी है, इस मोटर का इतना वजन होता नहीं है। और भाई सबसे खास बात भाई इसकी देखो भाई बैटरी आप कोई भी लगाओ 2 एम्पियर और भाई साहब यहाँ पे 3 एम्पियर। तो भैया देखो मैं खैर 2 एम्पियर का लगा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है समर भाई तो बाहर ही है। ठीक है देखो भाई साहब ये रुक दी, आराम से रुक जाएगी 2 एम्पियर की बैटरी से। तो गाइस इसका कुछ इस तरह से बैलेंस बनाया गया है। तो भाई ये पाइप भी काफी लंबा है देखो भाई, और मैं आपको गाइस पाइप दिखाता हूँ, मैं मोटर में दिखाता हूँ 1 और भाई साहब 2 3 और 4 गाइस, ये 4 मीटर गाइस मैंने पाइप लिया है। तो भाई इससे फायदा होगा कि एक बार इसे बाल्टी में डाल दो या टप में डाल दो और भाई आप घूम घूम कर आराम से वॉश कर सकते हो, बाइक हो गया या कार हो गया जो भी गाइस आप वॉश करना चाहो। और भैया इसे चला के देखते हैं, थोड़ा सा गाइस के अंदर पानी भी हल्का सा टेस्टिंग की थी ना, देखो बढ़िया बढ़िया। तो गाइस कनेक्शन रखना बहुत इजी, आई होप आपके अच्छे समझ में आ गएंगे। तो भैया अब लगाते हैं इसके ऊपर का ये ढक्कन। ठीक है और भाई साहब इस पर करते हैं फटाफट कलर। तो लीजिए भाई साहब देखिए भाई क्या मस्त लुक लग रहा है इसका। ठीक है थोड़ी बड़ी सी लग रही है भाई साहब जान दो भाई, मैंने फिर भी तो छोटा करने की काफी कोशिश की है। तो बताइए भाई ये काफी मस्त लग रहा है। ठीक है और भाई मैंने इस पर भी सेम कलर कर दिया, मैं चाहता था इस पर अलग कलर करता, सोचा लेंगे फिर सोचा नहीं भाई ये अलग से वो चमकेगा भाई मजा नहीं आएगा। तो ठीक है बॉस काफी का इस लाइट वेट है भाई अच्छा काम करेगी। तो भैया एक बार इसमें बैटरी लगा देता हूँ मैं जिससे का इसलिए थोड़ा सा खड़ा हो जाए। ठीक है भाई साहब लीजिए भाई यूज करा और भाई साहब ऐसा रख दिया कहीं भी मस्त, तो बड़ा चल रहा है। तो भाई अभी तो ऐसे लग रही भाई जैसे हमने घर पर बनाई है। ठीक है तो गाइस मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा जो ना इसका लुक और इनहेंस कर दे जाए। तो भाई मैं लेकर आऊँ भैया ये साइकिल वाले स्टिकर। ठीक है देख सकते गाइस ये भाई साइकिल वाले स्टिकर है, इस पर थोड़ा सा स्टिकर लग जाएंगे तो गाइस थोड़ा सा नया लगेगा। चलो भाई साहब फटाफट इस पर स्टिकर चिपका दें। सॉरी गाइस मुझे अपना नाम काटना पड़ रहा है क्योंकि वैसे भी ये यहाँ नहीं आएगा, इसे निकलने बाद ही आ जाएगा। कस्टमाइजेशन अपने हाथ में है, आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ बीच में पाइप आ रहा है ना, दिक्कत ही है बॉस। हाँ तो गाइस बताइए कैसा लग रहा है, हरक्यूलेस होता लेकिन हरक्यू हो गया हरक्यूले। और भाई यहाँ पे भी लगा लें जो जो स्टिकर है, जैसे मैं स्टिकर पूरा लेकर आ गया जो जैसा लग जाएगा लग जाएगा। तो भाई ये यहाँ पर आ रहा है भैया कंप्लीट। तो भाई साहब अब बताइए भाई कैसी लग रही है। भाई मैंने कोई देखो साइकिल वाइकिल लिखा था ना गाइस, वाला स्टिकर नहीं लगाया वरना गाइस साइकिल लगती। ठीक है ये भाई कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है इस तरह यहाँ पर ग्रिप है और भाई हरक्यूले MTB। ठीक है और भाई साहब ये हरक्यूलेस यहाँ पर खैर पूरा नाम आ गया है। तो ठीक है भाई प्लीज दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबरदस्ती का हिसाब से कर रहा हूँ लाइक कर दो गाइस, और प्यार से कमेंट कर दो। प्लीज दोस्तों बताइए इसका डिजाइन आपको कैसा लग रहा है गाइस, ये काफी लाइट वेट है सबसे खास बात भाई इसकी है। तो भाई आप इसे देख सकते हो गाइस कैसे लग रही है लुक में। ठीक है कलर भाई मैं पीला करा था क्योंकि सोचा ये पीला जो होता है वो काफी जल्दी गंदा हो जाएगा, काला भाई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई साहब काला थंबनेल पे चमकता नहीं। तो भाई आप इस पर काला भी कर सकते हो, वैसे गाइस इन चीजों पर ज्यादातर मोस्टली रेड ही होता है, रेड और ब्लैक। तो चलो भाई फटाफट अब इसकी टेस्टिंग करने चलते हैं भाई, मजा आएगा चलिए आ जाओ। तो चलो गाइस फटाफट की टेस्टिंग करते हैं, कैमरा मैंने बहुत अच्छा कैमरा हिलाया। तो भाई साहब मैं बाइक भी लेकर आऊँगा, इस मेरे पास सेंट्रो भी है, कोई ज्यादा फालतू नहीं बोलेगा मेरे के चोंच ले, आप जानते हो दो दो चीज रखनी पड़ती है, साइकिल भी है मेरे पास, सारा सामान भाई मैं इसमें लेकर आऊँ। ओह और भाई यहाँ पर दो दो बैटरी है गाइस इमरजेंसी में काम आएंगी, वैसे गाइस एक बैटरी भाई कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है और भाई साहब घर से बाहर, और भाई देखो भाई ये देखो पानी वाली बोतलें, तो भाई इसमें मैं पानी लेकर आऊँ जो गाइस पानी रहता है ना बैटरी में, और भाई मैं नील लेकर आऊँ देखो जिससे भाई बाई चांस आपको पानी ना चमके। तो भाई साहब यहाँ पर सारा ऑप्शन है, सारे जुगाड़ अवेलेबल यहाँ। ठीक है हाँ तो भाई साहब भैया ये घर की बाल्टी ही समझिए गाइस, क्योंकि भाई घर में मैं आपको अच्छा टेस्ट नहीं करा पाता, पापा बहुत मारते हैं कि क्या करता रहता है लड़का। ठीक है भाई ये पानी अपना आप खींचेगा, देखो 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 पास ही देखो 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 कैसे खींचेगा देखो देखो। ठीक है तो भाई साहब पानी अपना आप खींचेगा और बढ़िया यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं देखो भाई काफी मस्त जो बात है। ठीक है और भाई यहाँ से आप इसे पतले ज्यादा कर सकते हो, इसकी जो धार है धार देखो भाई
भाई साहब सू की मिट्टी साफ कर दी देखो, ठीक है आपके सामने का इस लाइव है बिल्कुल, कैमरे पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाहर नहीं देखा सकते, यहाँ पर नहीं दे रहा है, समझा करो यार। और देखो भाई साहब पाइप भाई मैंने इतना लंबा रखा है, आराम से एकदम धो सकते हैं। इसमें सबसे खास बात है गाइस पानी काफी कम लगता है, देखो भाई यहाँ गाइस मैंने पूरी धोती है, देखो भाई तो पानी गाइस अभी भी लेफ्ट है, देखो बच रहा है पानी कैन में। और भाई इसकी ये भी खासियत है कहीं भी आपको गाइस पानी मिल जाएगा, कहीं भी आपको कोई बैटरी लानी कुछ नहीं लाना, मोटर लेना भाई इसे बस पानी में डालो पाइप को और गाइस यूज करो। आपको दिखाई दे रही होगी, फिर भी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैटरी का चार्ज करनी है, निकल गया। और भाई साहब ये रहा इसका चार्ज जो गाइस इस बैटरी के साथ आया था, सोचा गाइस आपको बता दूं, ठीक है। और एक बार आपको चार्ज करके दिखाता हूँ भाई साहब, अभी चार्ज मोड पर जो फुल चार्ज होएगी यहाँ पर ग्रीन एलईडी जल जाएगी। तो गाइस अगर आपके पास ये बैटरीज नहीं है तो भाई आप लिथियम आयन बैटरी 18650 ये लैपटॉप की पुरानी बैटरी भाई आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा इस काफी इनका यूज क्या है, और भाई आप आराम से हैंडल में लगा सकते हो, काफी जगह इसके अंदर भर दे यार, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, आप जुगाड़ लो यार। ओ हाय फ्रेंड्स, ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्त लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। बस गाइस आपको पानी चाहिए और गाइस ये वॉशर चाहिए, काफी पावरफुल है। थैंक यू, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, थैंक यू, बाय बाय।